स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारत पाकिस्तान का मुकाबला खत्म हुआ दुबई में, हम लोग दुबई में हैं, मैं तो पसीना पसीने हो गया, इतना बड़ा मुकाबला हुआ, भारत ने आसानी से पाकिस्तान को हराया। तो आज हमारे साथ हैं तीन खास मेहमान, तीन लेजेंड्स, मोहम्मद अजहरुद्दीन हमेशा की तरह, वसीम अकरम और सुनील गावस्कर। सनी भाई, पूरा ऐसा लग रहा है कि दुबई के रंग में रंग गए हैं, लेकिन मजेदार मैच हुआ भारत के लिए। बहुत अच्छा मैच हुआ, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने जीत हासिल की, बहुत ही बेहतरीन तरीका था, जिस तरह से गेंदबाजी थी, जिस तरह से फील्डिंग थी और जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने जीत हासिल की, बहुत मजा आ गया। उसी भाई पाकिस्तान के लिए लेकिन निराशा हाथ लगी और शायद कई सवालों के जवाब भी उनको ढूंढने होंगे। गेम में देखें हार जीत होती है, मगर दिस वॉज वन साइडेड गेम, लग रहा है पाकिस्तान पिच अप हुआ ही नहीं है। होम ग्राउंड स्टेज वो सेट, टॉस जीतेंगे, बैटिंग करेंगे, इंडिया इंग्लैंड से आ रहा है, गर्मी में प्रॉब्लम होगी उनके बॉलर्स को। ऑपोजिट हुआ, इंडियन बॉलर्स ने प्रॉब्लम दी पाकिस्तानी बैट्समैनों को उनके अपने होम ग्राउंड में, उनकी अपनी पिच पे, और कोई खास पिच नहीं थी ये, कोई नॉर्मल पिच जो शायद दुबई की होती है। गुड बैटिंग विकेट, इट वॉज 270-275 विकेट, दो विकेटें गिरी हैं उसके बाद बौखला गए हैं, समझ नहीं आई करना क्या है, किस तरह बैटिंग करनी है, पार्टनरशिप लगी, बाबर आउट हुआ, उसके बाद पाकिस्तान इज लॉस्ट द प्लॉट। और असल में शायद अगर वसीम भाई होते, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, इमरान खान, वो टीम होती तो 163 में शायद लड़ती, और ऐसा नहीं कि उन्होंने लड़ना नहीं चाहा होगा या भारत ने बैटिंग अच्छी की, पर वो लड़ाई दिखी भी नहीं। नहीं, बिल्कुल दिखी नहीं। देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग था, जब वो बॉलिंग करना है ऐसा लग रहा था कि वो एक 163 डिफेंड करने हैं, 163 टोटल आप कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते, जब भी आप जीत जब ही सकते, जब आउट करके जीत सकते। तो उन्होंने कभी अटैकिंग फील्ड थी ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो आराम से शिखर धवन और रोहित शर्मा एक एक दो दो रन ले रहे थे, बट जहाँ पे उनको फिर मारने का मौका मिला उन्होंने वहाँ पे मारा तो, बट लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत एक ऑर्डिनरी गेम था और इंडिया के लिए टॉप ऑफ द ड्रॉ गेम। अच्छा, क्रिकेट भी देखिए ना किस तरह का खेल है, जिस वक्त भारत रात को ये मुकाबला जीता उससे ठीक 24 घंटे पहले उसी वक्त भारत और हांगकांग का मैच चल रहा था, हम आप सब क्रिकेटर्स भी खलबली मची हुई थी भारत के ड्रेसिंग रूम में, पता नहीं ऐसा तो नहीं है कि हांगकांग भारत को हरा देगा, वो हुआ नहीं, और उसके 24 घंटे बाद पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम आपसे वन साइडेड हार जाती। क्या खेल है सनी भाई ये क्रिकेट? बिल्कुल यही तो होता है, इसीलिए तो ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज ऑफ द गेम कहते हैं, कि जहाँ पे आप एक टीम के खिलाफ कुछ कर सकते हैं, दूसरे टीम के खिलाफ और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं या बहुत ख़राब भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी हांगकांग के खिलाफ उससे उन्होंने सीख लिया, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार ने जो लेंथ उन्होंने हांगकांग के खिलाफ की थी, जो लाइन उनकी थोड़ी सी बाहर ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, उसको उन्होंने पकड़ के बड़ी टाइट लाइन और लेंथ गेंदबाजी की थी पाकिस्तान के खिलाफ। और एक तो बड़ी बात थी, अहम बात थी कि जसप्रीत बुमराह वापस टीम में आ गए, तो उन्होंने उनकी पहली दो ओवर तो मेडन डाली थी, तो जब पहली दो ओवर मेडन बन जाती है 50 ओवर के खेल में तो फिर दबाव तो बनता ही है, और उसी दबाव के नीचे पाकिस्तान की विकेटें गिर गई, खास करके जमान की, जिन्होंने पिछले मैच में पिछले टाइम भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में, वह बहुत बेहतरीन सेंचुरी लगाई थी उन्होंने, तो उनकी जब विकेट गिर गई तो उसके बाद में थोड़ी सी पैनिक तो सेट होती है, तो उसी का फ़ायदा भारतीय टीम ने उठा लिया। यही सवाल मैं वसीम भाई से भी पूछूंगा, यही सवाल सनी भाई पहले आपसे, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, बहुत बड़ा मुकाबला उन्होंने जीता, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक साल से उन्होंने बोझ के बाद ये मैच खेला हो कि भाई हमने इंडिया को इतनी बुरी तरह हराया था, वो प्रेशर लेके इस मैच को खेले होंगे, हमें उसी तरह का खेल खेलना है, कई बार आप उस तरह के प्रेशर में भी मारे जाते हैं। हाँ, हो सकता है बिल्कुल कि उन्होंने उसी तरह से सोचा होगा, पर मैं नहीं समझता हूँ कि आजकल जो भी कोई खेलता है और अगर अच्छा खिलाड़ी हो तो वो पिछले गेंद के बारे में सोचता नहीं, पिछले साल की बात छोड़िए, पिछले गेंद का, अगर आप बॉलर हो आपको चौका लग गया तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, आप अगली गेंद पर के बारे में सोचेंगे कि मुझे लाइन थोड़ी सी बदलनी होगी, मुझे थोड़ी सी लेंथ बदलनी होगी क्योंकि इसके पहले की गेंद मुझे चौका लग गया था, तो आप उसके बारे में सोचते हैं पर जो हुआ उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम उसी दबाव के नीचे खेलती हुई कि हमें यही करना होगा जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किया, और अभी शायद ये भी हमें सोचना होगा हम भारतीय लोग जो है कि इसी तरह की लीग मैच में बुरी तरह से हारी थी पाकिस्तान की टीम और फाइनल में क्या किया इन्होंने, ये तो एक लीग मैच थी। अब जब भारतीय टीम कल हांगकांग से जीती तो उसके बाद में ये तो तय हुआ था कि नंबर एक और दो के लिए तो खेलना है, ये जो पाकिस्तान और इंडिया 23 तारीख आज की जो मैच हुई
वो मैच सिर्फ नंबर एक या नंबर दो के लिए थी और उसमें भी कोई मतलब कोई खास डिफरेंस नहीं था, क्योंकि सुपर फोर होनी थी तो सुपर फोर में हर एक टीम एक दूसरे के साथ खेलने वाली थी, तो शायद थोड़े से रिलैक्स भी हो गए होंगे कि और एक मैच भी है, उसके बाद में हमें फाइनल भी हो सकती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइट होने के बदले आप ज़्यादा रिलैक्स भी होते हैं। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, और आई थिंक रिसेंटली इन्होंने जिम्बाब्वे से सीरीज़ खेली है जिसमें इन्होंने बड़ा मारा जिम्बाब्वे को, फ़खर जमान ने 200 भी किया, बिग डील 200 किया, बट जिम्बाब्वे की टीम और इस क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। जिम्बाब्वे की क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं जो हमारे दौर में थी, बड़ी ज़बरदस्त टीम होती थी, वो हमें टोस पे रखते थे जिम्बाब्वे ऑलवेज, ग्रांट ये फ्लावर ब्रदर्स, जॉनसन, विटल, ऑल दीज गाइज ब्रिलियंट गाइज, ही बॉलर में स्ट्रीक था, बहुत सारे बॉलर्स थे, उनकी फील्डिंग ज़बरदस्त थी। हमें ऐसी टीमें नहीं मिली जब हमने खेली है क्रिकेट, हमें अच्छी टीमें मिली हैं। सो उसके बाद एकदम यहाँ आए हैं महीने बाद तो बड़ा डिफरेंस आ गया, यू नो ये क्रिकेट डिफरेंट है, जिम्बाब्वे क्रिकेट डिफरेंट थी। ओवर एंड ऑल ठीक है अर्ली डेज एंड टूर्नामेंट में जैसे सनी भाई ने कहा, बट अभी पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह प्लानिंग करनी पड़ेगी अगले मैचेस के लिए, अगर उन्होंने एक कप को उठाना है और अगला मैच इंडिया से जीतना है। अगर इंडिया से अगले मैच में परफॉर्मेंस नहीं होती तो ये और डिमोरलाइज हो जाएंगे। 23 तारीख को है वो मुकाबला। बिल्कुल बिल्कुल, और वो फ्रेश स्टार्ट हो। जी बिल्कुल, फ्रेश स्टार्ट होगा। अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो मेरे ख्याल में एकदम नेचुरल अपना नेचुरल गेम खेलना चाहिए। अगर ठीक है कहीं, अगर जैसा कि ओपनिंग पार्टनरशिप के बारे में मैं हर बार स्ट्रेस करता हूँ कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होगी तो मेरे ख्याल में जब भी लंबा स्कोर बना सकें, अगर कहीं ओपनिंग पार्टनरशिप खराब हुई तो मैं समझता हूँ कि उतना ज़्यादा लंबा बना सकते हैं। जो नेचुरली जो प्लेयर्स को आता है वही करना चाहिए और फियरलेस खेलना चाहिए। अगर टेंशन या प्रेशर में आगे खेलेंगे तो फिर मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस ऐसा ही होगा। दुबई में है इस वक्त, क्या स्काईलाइन है, क्या लाइफ है, अजहर भाई हैं, वसीम भाई हैं, सनी भाई हैं, मैं भाई कह सकता हूँ हालांकि उम्र में आप सबसे बहुत छोटा हूँ इज्जत से, लेकिन हरभजन सिंह हमारे बज्जू पाजी क्या कहते हैं इस मैच के बारे में, रशेश मंडानी के साथ उनकी ये बातचीत। जिस मुकाबले का बड़ा इंतजार था और कांटे की टक्कर होने वाली थी, ऐसी बात तो कुछ हुई नहीं। इंडिया की बल्ले बल्ले और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे सवाल जिनके जवाब उन्हें ढूंढने होंगे। हरभजन सिंह हमारे साथ है और ये कहते थे कि वो एक साल से हम ये पकड़ के चल रहे थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल हराया था, अब तो वो पुरानी बात हो गई है, डोमिनेंट विक्ट्री इंडिया की। बिल्कुल, हिसाब चुकता हो गया है, जो चैंपियंस ट्रॉफी का हिसाब जो था वो हमारे सर के ऊपर चढ़ा हुआ था वो उतार दिया है और बड़ी जीत के साथ उतारा है। और मैं कहूँगा कि जैसे आपने भी कहा है कि बहुत बड़ी जीत, बहुत कुछ इससे जो है वो गेन हुआ है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ खोया है इसमें से और हो सकता है कॉन्फिडेंस भी खोया हो और अच्छी क्रिकेट नहीं खेले हैं पाकिस्तान। और वहीं मैं हिंदुस्तान की तारीफ करूंगा, भारत के बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, भुवनेश्वर कुमार ने, जसप्रीत बुमराह ने और स्पिनर्स ने और केदार यादव ने कमाल कर दी है और ऐसी बॉलिंग की सिर्फ 160 रन पे आउट कर दिया, जो कि अगर इस विकेट पे 250 रन अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर मैच में लड़ नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत हिंदुस्तान की और ऑफकोर्स मज़ा आ गया। वैसे मतलब देखिए इंडिया की बॉलिंग ये सेटल्ड थी, ये चारों हर मैच खेलते हैं, भुवी, बुमराह, चहल और कुलदीप। कुलदीप और चहल को इतने विकेट्स नहीं मिले लेकिन इन विकेट्स में वो कभी ना कभी तो गेम में आएंगे टूर्नामेंट में, और जब आपके भुवी और बुमराह भी चल रहे, केदार यादव का एक्स फैक्टर चल रहा है, तो एक मजबूत बॉलिंग यूनिट बनती नजर। देखो गेम में आपको कुलदीप यादव लेके आए हैं, शुरू में भुवनेश्वर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, दो झटके दिए थे और उससे जो है वो अगले 8-9 ओवर के लिए रन नहीं आए थे, कुछ 30 या 35 रन ही थे 12-13 ओवर में। और उसके बाद एक पार्टनरशिप जरूर हुई मलिक और बाबर के बीच में, बट वो ब्रेक थ्रू बहुत ज़रूरी था जो कुलदीप यादव ने दिलाया, और अगर उस ब्रेक थ्रू को अगर निकाल दो गेम से तो शायद वो पार्टनरशिप और लंबी चल सकती थी। तो मैं दाद देता हूँ उनकी बॉलिंग की और उनकी वो प्लानिंग की कि किस अंदाज से उनको आउट किया और टोटली जो कहते हैं कि एक स्पिनर वाला डिसमिसल की आगे इन्वाइट किया स्पिन में और फ्लाइट में बीट किया उनको, ज़बरदस्त बॉल। और उसके बाद तो फिर ऐसा लग रहा था कि कोई बैट्समैन विकेट पे ज़्यादा देर खेलना नहीं चाहता है, सिर्फ बड़े शॉट मारना चाहता है। और कहीं ना कहीं बढ़िया गेंदबाजी भारत की, प्रेशर बनाए रखा थ्रू आउट द इनिंग, और कहीं ना कहीं बहुत ख़राब बल्लेबाजी पाकिस्तान की कि उन्होंने कोशिश नहीं की कि 40-45 ओवर तक गेम लेके जाएं, और जो प्लेयर आया वो शॉट्स मारने को देख रहा था रादर देन यू नो स्पेंडिंग टाइम ऑन द विकेट। अगर आप विकेट पे टाइम स्पेंड करोगे थोड़ी देर बाद जो चीज़ें हैं वो आसान हो जाती हैं, रन बनने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको जल्दी सीखना होगा अगर वो दोबारा मुकाबले में रहना चाहते हैं, नहीं तो फिर हमारे बॉलर तो धुरंधर
ऐसे काम करते ही रहेंगे। आपने कहा कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तान ने गवाया होगा, तो ये इंडिया पाकिस्तान मैचेस का क्या होता है, मतलब ऑब्वियसली जब आप होटल रूम में लौटेंगे लोग आपसे सवाल पूछेंगे, ये भी जो खिलाड़ी फेल हुआ है इस बड़े मुकाबले में उनके जहन में रहता है कि ये बड़े मैच में हम परफॉर्म नहीं कर पाए। देखिए एक बात अच्छी इसमें ये है कि इस टूर्नामेंट में और एक मौका है कि आप दोबारा एक दूसरे से भिड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है, बट ज़रूर प्रेशर बहुत आ जाता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच की बात करूं तो अगर आप अच्छा करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अलग लेवल पे चले जाता है, और अगर ख़राब हो जाता है तो आजकल हर एक आदमी जो है वो क्रिकेट में अपने आप को एक जो कहते हैं ना तुरम खान समझता है, और सब अपने अपने लिहाज से, सब कोई ट्विटर पे लिखता है, कोई ये सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है कि सब अपनी अपनी राय देते हैं, और कहीं ना कहीं अगर प्लेयर्स उस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि ये मेरी परफॉर्मेंस के बारे में लिखा जा रहा है, बुरा लिखा जा रहा है स्पेशली जब, तो कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट करता है, और जो कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं होते हैं मेंटली वो उसमें फिर बिल्कुल और नीचे दब जाते हैं। बट ये बड़ी जीत थी हिंदुस्तान की, बड़ी ये मत भूलिए कि अभी आगे दो तीन दिन बाद फिर हमें इनसे लड़ना है, और आज की जो कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी हो उसको और निखार के आएँ और बेटर करें, और पाकिस्तान ज़रूर मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच में बेटर खेलेगा क्योंकि उन्होंने आज बहुत ज़्यादा गलतियां की और गलतियां करते ही चले गए। क्या बिना विराट कोहली के खेल रहे हैं, न सिर्फ कैप्टन विराट कोहली बैट्समैन विराट कोहली, तो यहां पे तो ऑब्वियसली आपके बैटिंग टेस्ट नहीं हुई लेकिन इंडिया को खुशी हुई होगी कि क्लिनिकली इस मैच को जीता इंडियन बैट्समैन ने। बिल्कुल, देखिए विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज हैं उनकी कमी जो है वो भारतीय टीम को हमेशा खलेगी, पर उनके ना होने से एक अपॉर्चुनिटी जरूर जो है वो किसी ना किसी के लिए बनती है, और उसको जो प्लेयर भी खेलेगा वो ज़रूर उसको दो हाथों से लेने की कोशिश करेगा। जैसे राइडू है, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, वो इंग्लैंड नहीं जा पाए थे यो टेस्ट में, वो उतना अच्छा नहीं कर पाए थे और उनको मौका नहीं मिला था, अभी यहाँ मौका मिला, अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और विराट कोहली अगली सीरीज़ में जब वापस आएंगे तो इंडिया को और एक तैयार प्लेयर मिलेगा राइडू की उसमें, तो कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी को अच्छा से ग्रैब करना चाहिए, अभी तक अच्छा किया है और मैं दुआ भी करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और इस अपॉर्चुनिटी को यू नो और भी अपने लिए बेटर करे और टीम का एक अहम सदस्य बन के टीम में रहे और रन बनाता चला जाए इंडिया के लिए। एक आखिरी सवाल, आगे इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट में क्या, बांग्लादेश से एक मुकाबला है और फिर पाकिस्तान से जैसे आपने कहा दोबारा बैठना है, क्या एक अलग पाकिस्तान भी आपके सामने आ सकता है, क्योंकि ये एक फैक्टर हमेशा पाकिस्तानी टीम को लेकर होता है, एक दिन बहुत बुरा खेलते हैं दूसरे दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी खेल सकते हैं। देखिए गेम तो ऐसी ही है, हमने भी पहले मैच में अगर हम बात करें हांगकांग के साथ तो हमने उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला था, बट नेक्स्ट डे आके पाकिस्तान को जिस अंदाज से हमने मैच हराया है उससे ये दर्शाता है कि क्रिकेट में जो पीछे हुआ है उसका कुछ नहीं लेना देना है आगे जो होने वाला है, तो जो मैच हमने जीता है वेरी गुड, बट आगे अगर दोबारा जीतना है तो दोबारा हमें अच्छी चीज़ें करनी होगी, बेसिक्स ठीक करने होंगे, सही चीज़ों को दोबारा रिपीट करना होगा, और वो करने के लिए मेहनत लगेगी, मशक्कत लगेगी, और पाकिस्तान भी यही चाहेगा कि वो दोबारा आएँ और अपनी जो गलतियों से सीख के आएँ और बेटर क्रिकेट खेले, और मैं तो यही चाहूँगा एज ए यू नो समवन हु लव्स द गेम यू नो कि जब जब ये बड़ा गेम होता है इंडिया पाकिस्तान का तो एक बढ़िया गेम हो जिसमें सबको मजा आए और इन द एंड भारत जीते। मेरे साथ अजहर भाई हैं, वसीम भाई हैं, सनी भाई हैं, और वसीम भाई अगर आप इंडिया के कोच होते, बॉलिंग कोच होते, तो शायद बहुत खुश होते जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग दिखाई। बिल्कुल, बड़ा खुश होता जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की थी, नए गेंद से जैसे सनी भाई ने मेंशन किया दो ओवर मेड इन किए उसने आके, उन्होंने पूरा होमवर्क किया होता कि हमने इनको शॉट नहीं करनी, हमने इनको वाइड नहीं देनी, हमने इस पिच ही ऐसी थी कि इसको तीन विकेटों में रखना था, और नए बॉल से उन्होंने ऐसे ही किया, जो जब उन्होंने एक दो ओवर मेड इन किए तो बैट्समैनों पर अपने आप प्रेशर आ गया, और प्रेशर आ गया उसमें उन्होंने गलतियाँ की, निकल के शॉट मारी जो इमाम की शॉट नहीं है, वो शॉट नहीं मारता, ये फ़खर जमान मारता है, इमामुल हक नहीं मारता, और अजहरुद्दीन बार बार एक लफ्ज़ कह रहा है कि फेयर लेस क्रिकेट खेलो। पाकिस्तान टीम लग रही थी घबराई हुई लग रही थी, छोटे छोटे मुंह बने हुए थे, जब बैटिंग करने भी आई हैं वो फ्रीनेस नज़र नहीं थी आ रही मुझे उनके एटीट्यूड में, और जब 160 पे आउट हुए तो जब करने आए हैं डिफेंड करने आए हैं 163 वो एक ही तरीके से हो सकते उनको आउट करो, जब आप वो डिफेंड तो हो नहीं सकते, आप दो स्लिप पे रखो एक गली रखो उसमें अगर हो जाए 15 ओवर में आप कर दो, नहीं दो विकटें गिर जाए तो फिर आप फील्ड फैला दो, वो उन्होंने किया नहीं। कुलदीप यादव का भी सनी भाई इम्पैक्ट है, और ये कंडीशंस ऐसी लग रही हैं जहाँ पे लगता है कि केदार जाधव, चहल और कुलदीप, ये इनके जितने भी 25-30 ओवर आप डलवाएंगे वो आपको विकटें। हाँ, केदार जाधव का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है
रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी जो बॉलिंग है कभी कभी, क्योंकि उनका नाम है नहीं बॉलर के हिसाब से, तो ऑपोजिशन के जो बल्लेबाज है वो शायद थोड़े से लाइटली भी लेते होंगे, और उतने में और वो क्या करते हैं कि वो दो मिनट ढाई मिनट में अपनी ओवर ख़त्म करते हैं। और ओवर में मैंने बहुत कम देखा है जब वो भारतीय टीम के लिए खेलते, आईपीएल में भी खेलते, कभी कभी गेंदबाजी करते, बहुत कम देखा है कि उनको किसी ने पीटा है। मतलब एक ओवर में 20-21 रन बहुत कम देखा है। हाँ, एक आधी ओवर जाते हैं जहाँ पे 10-12 रन जाते हैं, पर वो इतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं क्योंकि सोच समझ के गेंदबाजी करते हैं। मैंने कमेंट्री में बोला कि वो मिक्स्ड पकौड़ा की जैसे, मिक्स पकौड़ा जैसी उनकी गेंदबाजी है। मतलब गेंदबाजी में वेरिएशन क्या है, हाथ की वेरिएशन इतनी नहीं, रिलीज पॉइंट की वेरिएशन है। एक गेंद ऊपर से करेंगे, एक गेंद यहाँ से करेंगे, एक गेंद बिल्कुल बिलो सी लेवल से करेंगे। तो ये जो वैरायटी है जिससे बल्लेबाज सेट नहीं बनता। देखिए, कभी कभी कोई ऐसा एक गेंदबाज हो जिसकी एक्यूरेसी बहुत फेमस हो, आप जानते हैं कि इनकी एक्यूरेसी है, अगर विकेट अच्छी हो तो आप आराम से उसको बाहर जाकर उठा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी लेंथ पर करेंगे, इसी लाइन पर आएगी। हाँ, पर केदार जाधव का वैसा नहीं हो रहा है। ये होगी केदार जाधव की बात। अब यजवेंद्र चहल की बात करें और कुलदीप यादव की बात करें, उनके पास बड़ा दिल है, बड़ी जिगर है। वो ऐसे दो रिस्क स्पिनर्स है, वो अगर उन्होंने छक्के भी खाए तो अगले गेंद के लिए वो तैयार होते हैं। अगले गेंद के लिए उनके वो जानते हैं कि हम ये गेंद थोड़ी सी, हाँ हम ये गेंद थोड़ी सी बाहर डालेंगे तो और एक शॉट वापस मारने के लिए हम अगर बल्लेबाज प्रयास करेगा तो आउट हो सकता है। जो गेंद उन्होंने बाबर आजम को की, बहुत ही अप्रतिम गेंद थी, क्योंकि बाबर आजम को लगा कि वो लेग स्पिन है, अंदर आने वाली गेंद, रॉन्ग लाइन पर खेले और क्लीन बोल्ड हो गए। तो वो एक मतलब एक जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो कुलदीप यादव ने दिलवा दिया। सनी, भी क्वेश्चन आपसे, ऐसे हमने किरदार की बात की कि बड़ा डिफरेंट बॉलर है, यू नो मिक्स पकौड़ा बॉलिंग है, तो ऐसे बॉलर को आप या अजरुद्दीन कैसे टैकल करते अगर आप होते तो? देखिए, टैकल नहीं, मैं टूर्नामेंट के बाद में बताऊंगा। नहीं, मुझे ना मिक्स पकौड़ा के पास नहीं जाएंगे, टूर्नामेंट के बाद बताऊंगा। कमाल है, मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ, नहीं ये टूर्नामेंट के बाद। अरे भाई, आप तो पकौड़े खाएंगे नहीं, लेकिन पकौड़े को ट्रीट कैसे करते हैं? नहीं देखिए, जैसा हमें वेटिंग गेम खेलना पड़ेगा, जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि जब आपके नए बॉलर है, आपको पता नहीं है वो किधर डाल रहे, तो मैं ओवर में 5-5, 6-6 रन तो लेनी चाहिए। जब आप सिंगल लेते जाएंगे या 2-2 रन लेते जाएंगे तो उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। मेरे को ऐसा लगता है जब वो बॉलिंग करते हैं, वो भी लगता है कि डर के करते होंगे, कहीं मैं ज़्यादा रन तो ना दूं, क्योंकि इसी वजह से मेरे ख्याल में वो कर जाते हैं। जब बैट्समैन जल्दी करता है उसमें आउट हो जाता है, वहाँ पर उनको अगर सिंगल खेलें, 4-4, 5-5 रन ओवर में निकालते रहेंगे तो मेरे ख्याल में वो डिफिकल्ट होता, बट बोलना आसान है बट खेलना इतना। दुबई स्टेडियम में तो भारत के फैंस ने खूब जश्न मनाया। मेरे साथ तीन महान खिलाड़ी भी हैं, आपने इनकी बातचीत भी सुनी, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स तक, और स्पोर्ट्स तक फेसबुक पर भी है, आप सब्सक्राइब कीजिए, सारी तफसील से कवरेज आपको वहां मिलेगी। लेकिन भारत के पूरे मतलब बाकी शहरों में जो जश्न मनाया गया उसकी तस्वीरें देखें आप।